हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और ये ब्लॉग कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि मैं मुंबई से जयपुर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग अच्छे से रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हो गई थी, मेरा ट्राईपॉड रास्ते में ख़राब हो गया, तो मैंने जयपुर में आके नया ट्राईपॉड लिया है और अभी मैं बस स्टॉप पर बैठा हूँ, बस के अंदर ही दिखी बस है, तो इसी बस से मैं अजमेर जा रहा हूँ। तो ये यहाँ से 2.5 घंटे लगी अजमेर पहुँचने में, और अजमेर पहुँचने के बाद मैं होटल में रुकूँगा, उस टाइम स्टे करूँगा वहाँ पे, और स्टे करने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं अजमेर में दरगाह जाऊँगा, और दरगाह में आपको दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है घूमने के लिए। और इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था वैष्णो देवी कटरा का, जम्मू कश्मीर का, काफ़ी अच्छा था, आपने बहुत प्यार दिया, आप इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर आप ऐसे प्यार देते रहोगे तो मैं और भी जल्दी नई नई चीज़ें लाते रहूँगा, नई नई जगह घूमने जाता हूँ मैं, जैसे तो मैंने भी ब्लॉग बनाने स्टार्ट किया है, बस आप लोगों की सपोर्ट करते हो। मैं आ चुका हूँ और मैं ऑटो में आए थे, लेकिन ऑटो में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, और फिलहाल मैंने एक होटल देखा हुआ है जो बाबा होटल है, बहुत काफ़ी बाबा पहले होटल है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो रूम है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूम है, जब आपको ऑटो वाला बाहर आके छोड़ेगा आप इनको बोलना डायरेक्ट, जो मेरे पीछे बाबा होटल है वहाँ पर आपको आके डायरेक्ट छोड़े, और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कैसे इनके रूम है, कैसे क्या है, तो आइए चलते हैं। और आ चुके हैं होटल के अंदर रिसेप्शन पे, ये होटल का रिसेप्शन है, काफ़ी अच्छे से इसको डेकोरेट किया हुआ है, लाइटिंग वगैरह, और अभी चलते हैं अपने रूम में। तो ये अपना रूम है और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक एसी, टीवी, गर्म पानी, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिला है, और दिखने में भी अच्छा है, साफ़ सफाई है रूम के अंदर, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए ले लिया। और यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से तैयार होके निकलूँगा अजमेर शरीफ के लिए। अभी हम आ चुके हैं होटल के नीचे तैयार होके, और अभी हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ। देखिए यहाँ का नज़ारा ना कितना अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ की चमक चांदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप इन्जॉय कीजिए मेरे साथ साथ। तो कल छठी शरीफ है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहेगी क्योंकि बहुत लोग अपनी अपनी दुआएं मांगने यहाँ पे आते हैं और अल्लाह उनकी दुआएं सुनता है। अभी हम लोग आ चुके हैं अजमेर शरीफ की मेन गेट पे, और चलिए अंदर चलते हैं अभी। तो यहाँ सामने आप अपने जूते वगैरह इनकी शॉप पे रख सकते हो, और यहाँ से आप अपना फूल थाली जो लेना है ले सकते हो, और ये देख रहे हो ये जो मेन गेट है, लेकिन मैं पीछे वाले गेट से आया हूँ तो मैंने आपको पीछे का रास्ता दिखाया है, आप सामने से आओगे तो आपको ये मेन गेट पड़ेगा। मैं भी यहाँ से अपने लिए फूल और थाली ले लेता हूँ और चलते हैं अंदर। और मैंने मेरे लिए फूल थाली ले ली है, अभी चलते हैं अंदर। तो आप अपने लिए यहाँ से सामान ले सकते हो, और यहाँ पे अपने शूज स्लीपर यहीं रख सकते हो इनके पास। अभी हम लोग नमाज़ के टाइम पे आए हैं, तो अंदर नमाज़ चल रही है, सभी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग खड़े हैं जन्नत के दरवाजे के सामने, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना दिल से धागा बांधते हैं और उनकी जो दुआ होती है वो यहाँ पे मांगते हैं, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है और उनको खुशियाँ देता है। तो अभी हम लोग चलते हैं दरगाह के अंदर, और ये देखिए ये है दरगाह, और इसके सामने ये सभी लोग बैठे रहते हैं, यहाँ बैठने से बहुत शांति मिलती है और दुआ मांगते हैं। Thank you.
मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे पीछे जो दरगाह देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं अंदर चढ़ा के घूम के आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ की, ये इस दरगाह की सबसे बड़ी डेग है। यहाँ पे दो डेग हैं, ये बड़ी डेग है और एक आपको छोटी डेग भी दिखाऊंगा। ये जितना भी यहाँ पे दान आता है, इस दान से यहाँ का खाना बनता है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब अपना प्रसाद यहाँ पे खा के जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे चांदी के, और ये देखिए हाथ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब कुछ चांदी के चढ़ा के जाते हैं। जो जिनकी दुआ पूरी होती है वो मांग के जाते हैं और उनके दुआ पूरे होने के बाद वो यहाँ पे वापस आके चढ़ाते हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो बड़ी डेग है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये छोटी डेग है। इसका जितना भी दान आता है उसका खाना इसमें बनता है और वो बड़ी वाली का वो उसके अंदर बनता है। यहाँ पे जितनी आप ये बड़ी डेग देख रहे हो और जितना भी दान आता है उस सबको मिला के इसके अंदर खाना बनाया जाता है इस डेग का। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो सभी लोग आते हैं और वो खाना जो होता है प्रसाद वो खा के जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी का मसाला रखा हुआ है, तो कल छठी शरीफ है तो उसका खाना इस मसाले से बनेगा इसी डेग के अंदर। तो आज हमारा डे वन था, और डे वन के अंदर हम अजमेर करीम नवाज की दरगाह होके आ चुके हैं। ये देखिए सामने दरगाह, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आपको पता चल रहा होगा वीडियो देख के कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कल सुबह और भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो अभी चलते हैं अपने होटल में और बैठ के रेस्ट करते हैं। कल मॉर्निंग में आपको वापस मिलता हूँ डे टू के साथ में और फुल एनर्जी के साथ। करीम नवाज़ की दरगाह होके आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लगा घूम के, लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत था क्योंकि आज कुछ फेस्टिवल है तो इस वजह से क्राउड बहुत था। लेकिन कुछ भी हो मज़ा वो होता है। मैंने आप सब कुछ दिखाऊंगा जो जो मैंने किया है वहाँ पे, अच्छे से वीडियो शूट किया है, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाऊँगा इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा दिल बोल रहा है क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बनाई ये ब्लॉग। और यहाँ पे अजमेर में कल जो मैं घूमूंगा वो भी ब्लॉग बनाऊंगा। अभी मैं घूम के आ चुका हूँ, यहाँ से सुबह 6 बजे उठना है मुझे, और 6 बजे उठ के वापस मुझे वहाँ जाना है गरीब नवाज की दरगाह में। वापस सुबह जाऊँगा, अभी शाम को होके आया था मैं, अभी मॉर्निंग में जाऊँगा 6 बजे। तो फिलहाल मैं अभी सोता हूँ, कल 6 बजे मिलते हैं।